increases, its size decreases. Its size कितना था आपका पानी बॉन्ड के, उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड बता दें, रेट नहीं है, रेट नहीं है, समथिंग नेक्स्ट है कोवेलेंट बॉन्ड बॉन्डिंग उन एटम्स के बीच में पाई जाएगी जहाँ पे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है, राइट। जैसे कि आपका बहुत एक न्यूट्रोलिस कंपाउंड रहता है या कहा जाता है हाइड्रोजन, ये दो ऐसे एटम्स हैं जिनके बीच में ये आपके बॉन्ड पाया जाता है, जब इसको यहाँ पे जब दो एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड में जब दो एटम इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, पानी के बॉन्ड में क्या था वहाँ पे एक एटम डोनेट कराता है इलेक्ट्रॉन को, दूसरा उसको एक्सेप्ट कराता है, यहाँ पे दोनों शेयर करते हैं और दोनों आपस में उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन मेक देम सेल्फ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड। जिसकी कार्बन हो गया इसकी वैलेंसी फोर होती है, और ऐसी होती है इसके आउटर सेल में फोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन का आउटर सेल में वन इलेक्ट्रॉन होता है, दिस इज कॉल्ड लेवेंस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एंड कॉल्ड हाइड्रोजन। अगर इसको आप हाइड्रोजन से जोड़ना है कार्बन को तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और बन जाएगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आकर मिल जाएगा, यहाँ पे भी एक आपका हाइड्रोजन मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपका एक हाइड्रोजन मिल जाएगा। इस तरीके से इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन कर दिया, सब मिलते मिलते यहाँ से सेम कंडीशन, यहाँ पे भी सेम कंडीशन बन जाएगी और ये आपका कंपाउंड बन जाएगा जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स। सिंगल बॉन्ड का मतलब हुआ कि ईच एटम कंटिन्यूट वन इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड। इसी तरीके से हम बात करते हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे दो हाइड्रोजन का एटम है, एक और एक, इसके आउटर सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इन दोनों ने मिल के कंटिन्यूट किया वन वन इलेक्ट्रॉन, आपका। इसी तरीके से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात करें, यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है जो कि दो ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना हुआ है, अब यहाँ पे ये दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे, ईच एटम दो इलेक्ट्रॉन का डिलीट कर रहा है, इसलिए इसके बीच में डबल बॉन्ड टोटल सेट पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन फोर हो जाएंगे, दो एक ऑक्सीजन देगा और दूसरा ऑक्सीजन दे रहा है, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आपका बन गया। इसी तरीके से नाइट्रोजन की बात करते हैं, दो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स में दो नाइट्रोजन के एटम होंगे, एक नाइट्रोजन के आउटर सेल में पाँच इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में भी फाइव इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन के एटम तीन तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहे हैं, तीन तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहे हैं और दो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, यहाँ पे इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है बिकॉज दिस तीन तीन एटम का वहाँ पे शेयरिंग कर रहे हैं, इक्वल है। यहाँ पे इक्वल नंबर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रैंडम नंबर ऐसा जरूरी करें तो अगर एक टाइप का एटम है तो अब हो सकता है कि एक दो करें एक चार भी करें, अब इसके कुछ एक्सेप्शन देख लेते हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा।